सामने दिख रहा युद्ध का मैदान इटावा का है और जो लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं वो बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता हैं। यूपी के चुनावों में ये मंजर आम है, जहां पार्टी के बड़े नेता भाषण देते हैं तो कार्यकर्ता इस तरह चुनाव को जंग का मैदान बना देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में सपा भाजपा के बीच पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस घमासान में सभी पार्टियों के नेता हर हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच इटावा में बीडीसी का एक सदस्य अचानक गायब हो गया। बीडीसी के पिता ने सपा कार्यकर्ता पर उसके अपहरण का आरोप लगाया और थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने बीडीसी सदस्य को बरामद कर कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट के गेट पर सपा और भाजपा के नेताओं का जमावड़ा लग गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि बाद में पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत करवाया गया, लेकिन ये जंग यहां खत्म नहीं हुई। मौके पर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव मौके पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग चलती रही। अरे तो ये स्थिति कैसे बन गई सीओ साहब, स्थिति कैसे बन गई भाई? अरे उसको उसके घर से उठा ले गए, उसके बाद स्टेटमेंट दे रहे, देखा नहीं स्टेटमेंट जी? तो फिर अब कह रहे कि बाप के साथ नहीं जाएगा, तुम अपनी व्यवस्था करके पैसे की दम पे सबको वो कर लियो तो बाप के साथ क्यों? ऐसा कौन सा लड़का होगा जो कहेगा कि हम बाप के साथ नहीं जाएंगे? बाप के साथ नहीं जाएगा, पत्नी के साथ जाएगा, बहनोई के साथ जाएगा, तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा। अगर हमारे साथ नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा। इलाज है पूरा सब, सबका इलाज है, सभी का इलाज। देखिए आज यहाँ सत्र न्यायालय में हमारे जिला पंचायत के ब्लॉक के प्रत्याशी टंडी आनंद यादव टंडी जी, इनके ऊपर एक अपहरण का मुकदमा लगाया गया था एक BDC के पिता के द्वारा। आज वो BDC आया, उसने अपना बयान दिया, उसने बयान दिया कि मैं अपनी स्वेच्छा से गया हूँ और ना मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, ना मेरे पे कभी अपने घर जाना चाहता। तो उस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रशासन इसको सदन छोड़ दे, जहाँ इसकी इच्छा हो वहाँ जाए। तो हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं और न्यायालय पर विश्वास करते हैं। तो उसने आदेश आ गया था तो हम लोग तो अपने आराम से थे, हमने कहा BDC अपने आप जहाँ जाना चाहिए स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सदर विधायिका, जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम लोग आ गए यहाँ सत्र न्यायालय के बाहर प्रशासन को लेके और दबाव बना ले BDC को अपने घर ले आए। अगर जब सत्र न्यायालय की अगर बात नहीं माने तो किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। इस बीच कोर्ट में पेश BDC सदस्य बयान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने पिता के साथ घर चला गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। सर अदालत में आज समाजवादी पार्टी और BJP दोनों के लोग गेट घेरे हुए खड़े हैं, ये पूरा मसला क्या है? एक BDC सदस्य थे जिनके संदर्भ में एक अपहरण का मुकदमा थाना भड़पुरा में लिखा गया था 22 तारीख में, पुलिस ने उसे बरामद किया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके 164 के बयान हुए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए, क्योंकि वो बालिग था अपनी स्वेच्छा से जाए, इसके लिए उसे अवमुक्त कर दिया गया था उसकी स्वेच्छा के आधार पर, और वो चला गया है अपने पिताजी के साथ। अच्छा तो ये जो अपहरण का मामला लगाया गया था ये निराधार निकला या सही निकला, क्या हुआ? ये विवेचना चल रही है इसकी, कोर्ट के जो भी निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके आधार पर इसका निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि ये IO इसका अवलोकन करेंगे, उसके आधार पर किया जाएगा, अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना था कि BJP के लोग उसको जबरन आज यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप के बारे में मेरी जानकारी में नहीं है। जो मैंने माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में उसे मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि चुनावी माहौल है, हो सकता है किसी कैंडिडेट को लेकर पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप हो, यहाँ पूर्ण रूप से शांति है, सब लोग अपने घर चले गए हैं, वो भी चला गया है। इससे पहले भी दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट की बड़ी जबरदस्त हुई, बड़ी मुश्किल में लोग नियंत्रण में हो पाए, क्या लगा कि यहाँ कानून व्यवस्था नहीं? नहीं ऐसी निश्चिंत नहीं कर पाए, नहीं नहीं पूरी तरह से सुनिश्चित की गई थी, अगर कहीं इस तरह की जो घटना आप बता रहे हैं इस तरह की कोई घटना हुई होगी तो उसमें जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद।